ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुख देने वाला वह सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपना कामकाज नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। नगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। नगर सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा भांप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई, भगवान शंकर की यह वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुत नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुत नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रतम रूपमन नमस्कार, ईशानीश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार मुक्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार शनि प्रदोष व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय।